अनन्या, यस एक मैसेज डालो ग्रुप में, सब सर। ओके सर। आ रहे हैं लेकिन फिर भी एक बार बोलो। हाँ उत्कर्ष, उत्कर्ष सिंह, हाँ यस सर। आपका बेटा फीस नहीं सबमिट हो रही, क्या बात है? उत्कर्ष, अभी हो जाएगी सर उस दिनों में सर। आपका देख रहे हैं कोई छूटता चला जा रहा है, जी सर। मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे फिर आपके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सभी लोग ने लिखा, यस सर। क्योंकि बहुत कम आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ यस प्रियंका, हाँ, तुम्हारी आवाज आ सर। रही है। क्योंकि यस सर। देखिए वहां पे कुछ बच्चों के डाउट्स थे, अगर आपने प्रोग्राम लिखा होगा तो डेफिनेटली वहां पे एक डाउट जरूर है। नहीं पूछ रहे इसका मतलब प्रोग्राम नहीं लिखा है। महेंद्र कुमार, यस सर। प्रोग्राम रन नहीं हुआ है। हेलो सर। सिस्टम पे प्रोग्राम नहीं लिखा है आपने? नो सर, वो भी नहीं लिखा है। मुझे पता है ना, क्योंकि अगर आप लिखते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी।
हाँ सर, प्रोग्राम पर टॉपिक लिखा नहीं, देखा था हमने कल। देखने से क्या फायदा है, शीशा थोड़ी ना, उसमें आपने अपना आईने में अपना चेहरा देख लिया, उसको जब तक लिखेंगे नहीं तब तक समझ में कहाँ आएगा बेटे। जी सर। माइक ऑफ करो मैन। ट्री के नोट सभी को मिल गए थे, यस सर। रितु राय, यस सर। नोट्स डेली बेसिस पे मेंटेन हो रहे हैं, यस सर, हो रहे हैं। So before we are going to discuss next topic in tree, which is representation of tree. तो किसी को कोई problem है कल तो वो पूछ सकते हैं। कोई topic ना समझ में आया हो, कोई doubt हो, तभी होगा जब आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप पूछेंगे तो मैं भी आपसे कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन जरूर पूछूंगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और वो मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ा है। सर सिंह बात करते प्रखर अभी, दिव्यांश सिंह, दिव्यांश सिंह, दिव्यांश सिंह को आवाज नहीं आ रही मेरी। दिव्यांश सिंह या तो ये बोल नहीं रहे, इनसे कहिए दोबारा ज्वाइन करें, रीज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए। इनको मैंने रिमूव कर दिया है, इनसे कहिए दोबारा ज्वाइन करें। अगर आवाज नहीं आ रही आप लोग के पास तो फिर फायदा क्या है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हाँ बताओ प्रकर बेटा। सर रूट, जैसे हमारा जो रूट होता है ट्री का, उसको हम सर रिवर्स कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं सर। रिवर्स मींस जैसे ट्री का रूट ए है सर, जैसे आपने एग्जांपल दिया था ए, फिर उससे दो, बंद करो पहले, हाँ साउंड आ रहा है सर, उसमें फिर ए से बी सी निकला है, फिर बी में डी टू निकला है, फिर उसे ई को रूट बना के उसको उल्टा कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का पार्ट है, कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले इसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और फिर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ओके, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को हम रिवर्स तो कर ही सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन यही है कि पहले डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको उनको, और उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्ट। ट्री में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ ये जो है ट्री, जब हम इसको ट्रेवर्स करते हैं, अभी हम ट्रेवर्सल के मेथड्स भी आपको बताएंगे, तो ये रिकर्जिव प्रोसीजर होता है। हर लेवल पे रिकर्जिव का कैसे हुआ कि हर लेवल पे आप जैसे एक्सपेंड करेंगे तो वहां पे सबट्री बनेगा, नया सबट्री मिलेगा, और जो स्ट्रेटजी है वो सबट्री के लिए भी अगेन फॉलो होगी। फिर नेक्स्ट, और जैसे जैसे आप डेप्थ में चलते चले जाएंगे या उसके चिल्ड्रन नोड के साइड पे आप ट्रेवर्सल करेंगे, वेदर इट इज लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, तो उतने ही बार वो एल्गोरिथम को कॉल करेगा, उस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, अंटिल अनलेस ऑल नोड्स आर नॉट ट्रेवर्स्ड एट द कंसोल ऑफ यूजर। तो ये रिकर्जिव प्रोसीजर होता है।
यानी ट्री जब भी आप ट्रेवर्स करेंगे या ट्री स्ट्रक्चर को जब हम यूज करेंगे तो रिकर्सिवली ही एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर पाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, जब भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर किसी का भी कोई पढ़ते हैं तो उसके बाद मेन जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन रहता है। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन। एज वी नो देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन एवरी डेटा स्ट्रक्चर, एवरी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, whether it is linear or non-linear, all the data structure we studied, और अभी आगे भी हम लोग जो इनको पढ़ेंगे वो सारे non-primitive हैं, चाहे वो linked list हो, stack हो या queue, और ये fourth data structure हम लोग पढ़ रहे हैं, that is tree। तो जितने भी data structure पढ़े हैं सबको हम लोग linearly और non-linear कोई भी हूँ स्टैटिकली और डायनेमिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैटिकली के लिए एरे रिप्रेजेंटेशन और जहां डायनेमिक की बात होती है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जहां तक जिन्होंने भी कल ज्वाइन नहीं किया है वो रिकैप मैं कर दे रहा हूं उनको। जब हम ट्री की बात करते हैं तो मेन कंसर्न होता है बाइनरी ट्री का, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम जब हम कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं, इनके डेटास को स्ट्रक्चर्ड करते हैं और उसके बाद फर्दर ट्रेवर्सल फॉर अ मीनिंगफुल पर्पस, देन ओनली वी कंसीडर बाइनरी ट्री। बाइनरी मींस टू, यानी जीरो और वन के फॉर्म में। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ओनली द ट्री विच कंटेन्स टू एट मोस्ट टू चिल्ड्रन नोड इज कंसीडर्ड, जिसके किसी भी लेवल पे सब ट्री या फर्दर किसी भी लेवल पे एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में मोर देन टू चिल्ड्रन होंगे वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। वी कंसीडर ओनली बाइनरी ट्री। और आपके यहां जब एग्जाम में आता भी है, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे, जैसे मैंने बताया स्टैक के क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्यू में इसलिए ऑप्शन दिया था, क्यू के क्वेश्चन आ भी सकते हैं नहीं भी आते हैं, तो इसके ट्री के भी क्वेश्चन बहुत आएंगे। ये सब न्यूमेरिकल पार्ट भी है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी है, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमको करना है, तो इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। सो अ बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू मेथड्स, एरे रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक रिप्रेजेंटेशन। For your convenience, here we already drawn a tree that is binary tree. ये देख पा रहे हैं सब लोग? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये binary tree है। जब हम array representation की बात करते हैं, आप सभी लोग binary tree को बना लीजिए, इसको heading डाल के। एरे में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्री। ड्रॉ हो गया ट्री? यस सर। हाँ, क्योंकि इसी को हम एग्जांपल के थ्रू कंसीडर करेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो इस फॉर्म में ट्री को नहीं बनाता है, वो अपने दूसरे फॉर्म में ट्री को कंस्ट्रक्ट करेगा। इसका प्रोग्राम भी मैं आपको पहले सारे ऑपरेशन डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं प्रोग्राम भी इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखूंगा, मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम होगा। जितने भी ऑपरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या करेंगे वो सारे उस प्रोग्राम में रहेंगे। जैसे लिंक लिस्ट में मैंने सारे एक पूरे जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे एक ही प्रोग्राम में लिखे थे, उसी तरह ये ट्री के भी सारे ऑपरेशंस उस प्रोग्राम के थ्रू लिखेंगे, और वो प्रोग्राम जो हमारा होगा
वो डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन लिंक रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन वी ऑल्सो नो, वी शुड नो अबाउट द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। तो जब हम एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आप देखिए ए बी सी डी एफ जी एच आई जे और उसके बाद के और बाकी आप स्पेसेस देख रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? थोड़ा सा इसका फॉर्मेट फॉन्ट छोटा करता हूं तो ऑटोमेटिकली आपको और आसानी से दिख पाएगा एक ही विंडो में। आप देख रहे होंगे शायद एक ही में आ रहा होगा। मैं चाह रहा था कि डायग्राम के साथ आपको ये पूरा दिखे। अब आप देख पा रहे हैं एट ग्लांस? हाँ, दिस इज द ट्री एंड दिस इज एरे रिप्रेजेंटेशन। जो आप ये ब्लैंक स्पेसेस देख रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये लेवल्स होता है, तो दिस इज जीरो लेवल, दिस इज वन लेवल। तो ए आपके जीरो लेवल में जिसमें रूट रहते हैं, इनके चिल्ड्रन नोड बी और सी, ये वन लेवल है। फिर बी और सी के चिल्ड्रन डी एफ जी एच, ये जीरो वन और ये टू लेवल में है और ये थर्ड लेवल है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ए के दोनों चिल्ड्रन है, बी के दोनों चिल्ड्रन है एंड सी के भी दोनों चिल्ड्रन है, डी के भी दोनों चिल्ड्रन है लेकिन एफ के चिल्ड्रन नहीं है। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। क्योंकि जब हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो लेवल है, अगर लेवल आपका इनिशिएट हुआ है, यानी अगर आप कंटिन्यूसली इसको डिस्कस करें तो वन टू थ्री एंड फोर, ये फोर्थ जनरेशन चल रही है, फोर्थ लेवल चल रहा है, हाइट इसकी फोर है, तो फोर्थ लेवल पे अभी ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट पीट बाइनरी ट्री भी नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इंसर्शन आर रिक्वायर्ड। तो इसके दोनों चाइल्ड डी के दोनों चिल्ड्रन है यहाँ पे, एफ के चिल्ड्रन नहीं है और जी का एक ही चिल्ड्रन है, दैट इज राइट, सॉरी जी का एक ही चाइल्ड है, दैट इज योर राइट चाइल्ड, राइट सिबलिंग। हुआ ये होगा क्योंकि यहां तक आप देख पा रहे हैं, अगर यहां तक ये पहुंचा इसका मतलब इसके ये दो चाइल्ड, दो चिल्ड्रन रहे होंगे, ये डिलीट हो गए, डिलीट ऑपरेशन में ये चले गए और फर्दर इसको स्पेसिफिकली डिलीट किया गया और ये वाला एक इसका भी एक लेफ्ट चिल्ड्रन, लेफ्ट चाइल्ड डिलीट हो गया है और ये एक चाइल्ड बचा हुआ है यहाँ पे और इसके दो चिल्ड्रन नहीं है। तो आप जो स्पेसेस देख रहे हैं वो इसीलिए हैं, ए बी ओ सी, फिर डी एफ जी एच आई जे, आई जे के बाद इसके दो चिल्ड्रन का स्पेस खाली हुई है। देख रहे हैं आप यहाँ पे ब्लैंक? यस सर। उसके बाद जी का लेफ्ट, ये देख रहे हैं खाली है? यस सर। फिर के और इसके दो, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसके दो चिल्ड्रन का भी स्पेस खाली है यहाँ पे एच का, क्योंकि मैंने आपको कल बताया भी था जीरो लेवल पे एक नोड होगा, फर्स्ट लेवल पे दो नोड होंगे, सेकंड लेवल पे फोर नोड होंगे और थर्ड लेवल पे नोड होंगे, तो बाकी के इसीलिए ठीक। ये समझ में आया सबको? ये एरे रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए इसमें हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कभी कभी देखिए ये तो एरे रिप्रेजेंटेशन हो गया है, लेकिन हाउ वी कैन नो अबाउट द पेरेंट्स? अगर हमको सिर्फ एरे रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो हमको उनके पेरेंट्स के बारे में कैसे पता चलेगा या उसके चिल्ड्रन नोड के बारे में कैसा पता चलेगा?
पेरेंट्स का मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ तो पेरेंट, फिर उनके पेरेंट और फिर उनके पेरेंट, यानी फादर, फोर फादर एंड सो ऑन। ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख गया मेरा? Yes, sir. मैं एक ट्री बना रहा हूं यहाँ पे, आप भी साथ में बनाइए तभी समझ में आएगा। ये सभी को समझ में आया? दिख रहा है ये? यस सर, यस सर। एक्चुअली ये जीरोथ लेवल है लेकिन काउंटिंग में हमारा वन रहेगा, हम एरे में बात कर रहे हैं। ये वन है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। ओवरऑल फोर लेवल है। ये मैंने कंप्लीट बाइनरी ट्री बना दिया है क्योंकि हम एरे रिप्रेजेंटेशन इसका करने जा रहे हैं, साथ ही साथ कैलकुलेशन कि हाउ we can find out an any instance or moment of time about the parent or child node, children node, position of child or children node की भी हम find out कर सकते हैं। एक हम array बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि system आपका जो computer system है वो आपका ये tree नहीं बनाएगा, वो इस indicators को इस form में कन्वर्ट कर देगा। एरे की जब हम बात कर रहे हैं तो एरे के फॉर्म में डेटास जो है कर देगा। ये ए हो गया, बी, सी, डी। फटाफट आप बना लीजिए, इसका अलग से टाइम नहीं मिलने वाला है। ये सभी लोग बना रहे हैं? यस सर। कोई छूटा तो नहीं है? Thank you.
कि सभी ने बना लिया? यस सर। ठीक है, तो आपको ये ट्री दिया होगा एंड व्हेन वी से दैट दिस ट्री शुड बी रिप्रेजेंटेड थ्रू एरे इन योर कंप्यूटर सिस्टम, तो ये जो है इस तरह से एरे का पहले तो मेमोरी इनिशियलाइज करा देंगे 15 साइज लेकर के, और ये आपके सीरियल ऑर्डर में जिस अकॉर्डिंग में जब हम यहाँ पे ट्री की बात करते हैं तो लेफ्ट राइट इसी फॉर्म में ही आपका कंस्ट्रक्शन होता है, इंसर्शन इसी फॉर्म में होगा और डिलीशन भी इसी फॉर्म में होगा अनलेस जब तक कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो डिलीशन की या कोई स्पेसिफिक डिलीट करने की कोई भी, कौन आता चला जा रहा है लास्ट में डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, तब तक इसी ऑर्डर में ही आपका इंसर्शन होगा। जब हमको जब बोलेंगे बाय डिफॉल्ट तो हमारा इंसर्शन भी इसी फॉर्म में ही होगा अगर कोई ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं दिया है। जैसे हमने आपको लिंक्ड लिस्ट में बताया था कि बेसिकली नेचुरली व्हेनेवर एनी क्वेरी अराइजेस फॉर इंसर्शन इनटू लिंक्ड लिस्ट तो हम प्रिफर करते हैं एट बिगिनिंग, लेकिन जब उन्होंने स्पेसिफिक बोला कि नहीं थर्ड प्लेस पे फोर्थ प्लेस पे देन ओनली वी फाइंड आउट द पोजीशन और उसके बाद उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो ये एक ट्री है और जब इस ट्री को हम सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, तो जब इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये फॉर्म तो हमें पता नहीं होगा, समझ रहे हैं, ये फॉर्म हमको नहीं पता होगा, या इस फॉर्म में कहीं आप अगर इसको छोड़ दीजिए तो क्या आप देख पा रहे हैं कि कौन किसका पेरेंट है और किसका कौन सा लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, ये जो आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं अरे क्या पता लगा पा रहे हैं इससे? नो सर। नो सर। हाँ, तो इसके लिए ये क्वेश्चन भी आते हैं खूब कि इसके लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत होगी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द पेरेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक नोड और लेफ्ट और राइट सिबलिंग ऑफ एनी नोड, सिबलिंग का मतलब चाइल्ड ही होता है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है आपका पेरेंट का फॉर्मूला होता है, अगर हमको किसी भी नोड का पेरेंट पता करना है पी पेरेंट, इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एन माइनस वन, एन वो नोड है जिसका पेरेंट आपको फाइंड आउट करना है, अपॉन टू, लेकिन इसकी सीलिंग वैल्यू फ्लोर और सीलिंग वैल्यू के बारे में आप जानते हैं, अगर 0.5 है तो इसकी फ्लोर वैल्यू 0 है और सीलिंग वैल्यू 1 होगी, ठीक है, अगर 1.5 आता है तो फ्लोर वैल्यू 1 होगी और सील वैल्यू इसकी 2 होगी। कमलकांत? यस सर। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करें, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करते हुए अगर कहीं 0.5 आता है 1.5 आता है, क्योंकि 0.5 में भी आंसर आ सकता है, ठीक है, अगर आपका इवन नंबर होगा वो नोड इवन नंबर पे होगा एरे में पोजीशन पे तो वैल्यू डेफिनेटली 0.5 में आएगी, तो जब हम पेरेंट फाइंड आउट करेंगे तो सीलिंग वैल्यू लेंगे उसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछें कि जी का पेरेंट कौन है, जी कहाँ पे है हमारा? सेकंड पे है। अरे सेकंड पे नहीं है, सिक्स्थ पर। भूल जाइए, फॉरगेट दिस ट्री, मैं एरे रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ये ट्री आपको सिस्टम में नहीं, आप ये ट्री थोड़ी ना बनाएंगे वहां पे, एरे में ट्री थोड़ी बनाएंगे, इस ट्री के एलिमेंट्स को ये जो रूट्स हैं या नोड्स हैं या इनके चिल्ड्रन हैं या टर्मिनल नोड हैं लीव हैं जो भी हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी उनको हमने एरे में रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ जैसे ये बता भी रहे थे अपने क्या नाम प्रखर गुप्ता कि सर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, तो अगर हमें क्वेश्चन रहे क्योंकि अब तो ये इस फॉर्म में अगर हम चाहेंगे तो इसको रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स करने के लिए आप बहुत सारे मेथड्स हैं, स्टैक यूज करिए या कोई किसी भी फॉर्म में रिवर्सिंग एल्गोरिथम लगाइए,
आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अब तो ये हम जैसे चाहे उसको यूज कर सकते हैं, ये ट्री के डेटास को हमने इस एरे में रख लिया है, ये एरे के फॉर्म में स्टोर है, इसलिए तो इसको डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटास हैं, ये जितने भी किसी के पेरेंट होंगे, किसी के भी चाइल्ड होंगे, किसी के भी चिल्ड्रन होंगे, लेकिन अब ये हमारे सिस्टम में आने के बाद, एरे में आने के बाद, ये हमारे लिए डेटा की तरह हैं, और इनको हम जिस तरह से भी फॉर्म में चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। आप यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने एरे से रिप्रेजेंट किया है, 0 से 14, टोटल 15 नोड्स आर देयर कंप्लीट बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें। और जैसे कि आपने पिछले डायग्राम में देखा भी था, जहां पे नोड नहीं होगा वहां पे वो स्पेस खाली हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, उसके इंडिसेस नंबर तो जरूर रहेगी लेकिन वहां पे उसकी वैल्यू नहीं होगी। टू मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एरे, तो जब हमने कहा जी का पेरेंट, मुझे नहीं पता यहां पे कि जी का पेरेंट कौन है, फॉरगेट दिस डायग्राम, तो जी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 माइनस 1/2 कितना हो रहा है, 2.5। और मैंने इसके ऑलरेडी सीलिंग वैल्यू लिखी है, देखिए सी लिख दिया है इसीलिए इसका कितना 3, ठीक है, 2.5 सीलिंग वैल्यू यहां पे, इसलिए सी लगाया मैंने, तो 2.5 की सीलिंग वैल्यू जो है, सीलिंग मतलब छत, हाई वैल्यू, अपर वैल्यू, और फ्लोर मतलब, फ्लोर आप सब जानते ही हैं, लोअर वैल्यू, तो 2.5 की फ्लोर वैल्यू 2 होगी और सीलिंग वैल्यू 3 होगी। तो 3 पे देखिए कौन है, डी, ठीक है, हमने देखिए सही रिप्रेजेंटेशन किया है। पहले तो ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन देखिए हमारा सही है, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे सीलिंग वैल्यू ना लेके, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, इसकी फ्लोर वैल्यू ले लीजिए। आप क्या करिए, इसकी फ्लोर वैल्यू लीजिए 0, 1, 2, और जी का पेरेंट कौन है यहाँ पे, हाँ इसकी फ्लोर वैल्यू ले लीजिए। ये फॉर्मूला हमी को और आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अगर 1 से होता तब हम लोग इसको यहाँ पे 1, 2, 3 कर लेते तो हमारा हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसकी क्या करिए, फ्लोर वैल्यू लेके देख लीजिए। फ्लोर वैल्यू ले लीजिए, ये एफ ले लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। टू पे कौन है आपका, सी, सी क्योंकि जी का पेरेंट है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिए, इसकी फ्लोर वैल्यू लीजिएगा, ठीक। अब हमको ये समझ में आया सबको, पेरेंट निकालना, ये नहीं पता यहां पे कि पेरेंट कौन है किसका, तो ये लोग लगातार जो आ रहे हैं ये तो और दिक्कत कर रहे हैं। ये समझ में आया सबको कि सी हमें कैसे पता चला जी का, yes, sir. ठीक है, yes, हाँ। नेक्स्ट, अगर आपको किसी का भी, किसी भी नोड का लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन पता करना हो, लेफ्ट और राइट, तो कैसे पता करेंगे, फिर से देखिए, अगर हमको बी का, सपोज करिए बी है, बी का लेफ्ट चिल्ड्रन पता करना है, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी,
बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? बी। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n+1। ये फॉर्मूला देखिए कैसे बन रहा है, ये फॉर्मूला कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, हमको ही अपने अकॉर्डिंग पहले तो हमें ध्यान रखना है कि वन से इसको रिप्रेजेंट करना है, ये काउंटिंग करनी है या इंडिसेस देने या जीरो से। तो एरे के हिसाब से हमने देखा 0 to 14 करेंगे क्योंकि 15 नोड्स हैं, ठीक। अगर वन से किसी ने कर दिया है क्योंकि वो कोई हार्म नहीं है, वो कहेगा नहीं हमने काउंटिंग वन से लेके 15 स्टार्ट की है, तब यहाँ पे सीलिंग वैल्यू ले लीजिएगा। हमने जीरो से करी इसलिए फ्लोर वैल्यू ले ली, फॉर्मूला हमने खुद डेवलप किया। अगर हमको लेफ्ट चाइल्ड किसी भी नोड का पता करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2n+1। 2n कितना, देखिए n का मतलब ये जहां पे इसकी वैल्यू है b कहां पे है 1, तो 2 × 1+1 कितना हुआ 3। और 3 पे कौन है d। और इसी का अगर मुझे राइट चाइल्ड पता करना हो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, बी 2n+2। तो नेट पे अगर किसी का वीडियो लेक्चर पढ़ा भी होगा तो उन्होंने भी अपने हिसाब से फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया होगा 2n+2। तो 2n+2 का मतलब क्या हुआ, इसका राइट चाइल्ड पता करना है तो बी तो वन पे ही है प्लस टू कितना हुआ 4। 4 पे कौन है ई। ये देखिए इसका राइट चाइल्ड है, देख पा रहे हैं? यस सर। देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ ठीक, ये समझ में आया। तो जो ये ट्री है यहां से तो आप देख के पता लगा पा रहे हैं, लेकिन अगर हमने इसको एरे के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया और उस समय हमको किसी भी नोड का पेरेंट पता करना है तो हमको फॉर्मूलास डेवलप करने पड़ेंगे और उस फॉर्मूलोज के थ्रू, उन फॉर्मूले के वैल्यू के थ्रू हम उस पर्टिकुलर नोड का लेफ्ट राइट या पेरेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कहीं भी ये फॉर्मूला कहीं भी चल रहा है। अब जैसे सपोज करिए हम L, ये L देख रहे हैं, ये L देख रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ, तो L के मुझे पेरेंट को फाइंड आउट करना है, हम यहां इसलिए एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए हैं, L के पेरेंट को मुझे फाइंड आउट करना है। तो L का पेरेंट जो है कौन दिख रहा है आपको, F, यही दिख रहा है? Yes, sir. अगर हमने अपना फॉर्मूला यूज किया फ्लोर वैल्यू n माइनस 1 बाई 2, एल कहां पे है 11 पे, 11 माइनस 1 10 बाई 2 कितना हुआ 5 की फ्लोर वैल्यू 5 ही रहेगी, 5 पे देखिए कौन है f है, देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes. और अगर हम इसी के बाद देखिए m के पेरेंट का पता करना हो, m कहां पे है 12 पे, 12 माइनस 1 बाई 2 कितना हुआ 5.5, इसकी फ्लोर वैल्यू कितनी हुई 5 भी f है, तो m का पेरेंट भी f है। बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, और अभी इसीलिए देखिए क्रॉस कर रहे हैं, और इसका मुझे अगर लेफ्ट, मुझे ये F है और F का मुझे लेफ्ट चाइल्ड पता करना है तो F 5 पे है, 5 × 2 10+1 11, और 11 पे L है, और 5 × 2 10+2 12 पे M है, ठीक है? ये सभी को समझ में आया एरे रिप्रेजेंटेशन? यस सर।
इसमें किसी को कोई भी डाउट हो कहीं पे भी वो पूछ सकते हैं तुरंत। चैतन्य गुप्ता, नो डाउट सर, समझ में आ गया? फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। yes, मैंने अभी इसी समय रन टाइम पे फॉर्मूला बनाया है। और जब देखिए इस फॉर्मूले को चेंज कर दीजिए, अगर आप इसको ऑर्डिनरी 1 to 15 फॉर्म लेके चले जाएंगे, यानी 1 से 15 नंबर जो आप करेंगे 1 to 15, उस केस में यहाँ पे सीलिंग वैल्यू कर लीजिएगा, ठीक है? सीलिंग वैल्यू कर लेंगे, जब सीलिंग वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2n और यहाँ पे हो जाएगा 2n+1। आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, खुद अपने आप चेंज होता चला जाएगा, ठीक है? जो हमने प्लस वन और प्लस टू किया है वहां पे 2n और 2n+1 हो जाएगा फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग जो भी आपकी नीड है उस हिसाब से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये आना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने कहा फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा। लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो 2n+1, राइट चाइल्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है 2n+2, पेरेंट किसी भी जगह किसी भी नोड का फाइंड आउट करना है तो फ्लोर वैल्यू ऑफ उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू 2। दिस इज एरे रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमको ये डायग्राम नहीं मिलेगा, हमको हो सकता है इस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिले, और उस केस में हमको पेरेंट, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड फाइंड आउट करना है। इसके क्वेश्चन आते हैं, ओके? यस सर। ये आपका एरे रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ लिंक रिप्रेजेंटेशन, लिंक रिप्रेजेंटेशन जो कि हमने आपको बताया डबली लिंक लिस्ट इसमें फॉलो होगी। वी यूज अ डबली लिंक लिस्ट टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी ट्री, जिसमें कि जो इंफॉर्मेशन पार्ट है वो नोड रहेगा और लेफ्ट जो चाइल्ड है वो लेफ्ट चाइल्ड का जो लेफ्ट पार्ट है जहां पे हम लोग प्रीवियस एड्रेस कंटेन करते थे वहां पे लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रहेगा, और जहां पे हम लोग राइट चाइल्ड की बात करते थे जो राइट चाइल्ड का एड्रेस कंटेन करते थे और जो हम लोग नेक्स्ट का एड्रेस कंटेन करते थे वहां पे राइट चाइल्ड का एड्रेस आएगा। तो फर्स्ट फील्ड फॉर स्टोरिंग लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस, सेकेंड फॉर सॉर्टिंग एक्चुअल डेटा या स्टोरिंग द एक्चुअल डेटा, एंड थर्ड फॉर स्टोरिंग राइट चाइल्ड एड्रेस, ठीक? अब इसी डायग्राम को हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट सी स्क्रीन पे। ये डायग्राम है, मैंने एक नई शीट ली हुई है। ये जो आपने डायग्राम देखा था यहां पे प्रीवियस शीट में, ये देख रहे हैं, इसको हम लिंक रिप्रेजेंटेशन इसका करने जा रहे हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से डायग्राम सभी ने अपनी कॉपी बनाया है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये भी बनाते चलिए। ए नोड है और बी में इसका जो चिल्ड्रन है वो है बी और सी। तो बी इसका लेफ्ट चाइल्ड है, बनाते चलिए। बी एंड सी, ये रिप्रेजेंटेशन है लिंक रिप्रेजेंटेशन। सी बी के फर्दर चाइल्ड हैं कौन? डी एंड ई, यही है। और सी के कौन कौन से चाइल्ड है, चिल्ड्रन है? F and G। बनाते चलिए साथ में, बताते भी रहिए, बनाते भी चलिए। F and G,
ठीक है, ये जो ये पॉइंट है ये एड्रेस बताएगा यहाँ पे। आप डी के कौन से चिल्ड्रन है? डी के हैं एच और आई हैं? यस सर। डी के इसके लेफ्ट कौन है? एच। और राइट कौन है? आई। हाँ बनाते चलिएगा, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, आप लोग की कॉपी में है, उसमें बनाते चलिए। ई का लेफ्ट कौन है? जे। जे। राइट के। एफ के एल एंड एम, लेफ्ट है एल और राइट है एम। ये एम है ध्यान रखिएगा। और जी का N and O, N and O, बन गए सारे? बन गए? Yes, इनका ये सब टर्मिनल नोड है और हम लोग जहां पे एड्रेस नहीं होता वहां नल डालते हैं, ये इन सबको नल कर दीजिए। क्योंकि दीज ऑल आर टर्मिनल नोड। मुस्कान शुक्ला समझ में आ रहा है? यस सर। बनता चला जा रहा है कॉपी में साथ ही साथ में? यस सर। ये सभी को समझ में आया? तो जो ये ट्री था, दिस वॉज ओरिजिनल ट्री, जिसको ये हमने एरे रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया और सॉल्व भी कर पाएंगे, और इसको हमने लिंक रिप्रेजेंटेशन किया। ईच एंड एवरी नोड विच कंटेन्स चिल्ड्रन नोड, और वो चिल्ड्रन एड्रेस फॉर्म में स्टोर रहेंगे, यानी उनका एड्रेस रहेगा और फर्दर एक्सपेंशन होता चला जाएगा जब तक कि आपका लेवल एक्सपेंड होना बंद ना हो जाए और आपको टर्मिनल लोड ना मिल जाए। ये तो एक ऐसी आइडियल कंडीशन मिली। एक और डायग्राम आप थोड़ा सा देखिए, ये सभी ने बना भी लिया होगा। सपोज करिए एक ट्री में ये बना रहा हूं, बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूं, ए बी, ये बी बना है, सी डी और ई, ठीक है। इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लिंक रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के डाउट हो कि सर ये तो बहुत अच्छी कंडीशन मिल गई थी लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा। तो ए, ए के दो चिल्ड्रन है बी एंड सी, आपने बनाए भी हैं, लेकिन बी में फर्दर कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है तो यहां पे नल हो गया। और सी के दो फिर से चिल्ड्रन है डी एंड ई, ऋतुराय समझ में आ रहा है?
यस सर। हो सकता है एक और मैं बना दे रहा हूं यहां पे एफ, ई का एक राइट चाइल्ड एफ है, ई का राइट चाइल्ड देखिए एफ बना दिया मैंने एक और, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाइड कर दिया है, क्वेरी थोड़ी आपकी और सॉल्व हो जाएगी। देखिए डी का कोई भी चाइल्ड नहीं है, डी अपने आप में टर्मिनल नोड बन गया है, तो इसमें नल हो जाएगा इनके दोनों फील्ड में नेक्स्ट और प्रीवियस में। ई का लेफ्ट पार्ट ब्लैंक है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, लेकिन उसका एक राइट चाइल्ड है वो एफ है, और एफ फिर से टर्मिनल नोड है जिसके फर्दर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। ये समझ में आ गया सबको? इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर लेफ्ट पार्ट ब्लैंक है तो उसमें नल चला जाएगा, राइट पार्ट ब्लैंक है तो उसमें नल चला जाएगा। सर हाँ सर, इसमें भी वही डब्ली का ही लगेगा, मतलब ये पूछ रहा हूँ जैसे सिर्फ डब्ली लिंक लिस्ट के थ्रू ये परफॉर्म होगा सर, जैसे हमारा जो ए हमारा रूट है हाँ। उसमें से जो लेफ्ट साइड जो बी चाइल्ड निकल रहा है उसका हाँ। तो सर जो उसका प्रीवियस नोड होगा उसके पास बी का डेटा पार्ट का एड्रेस देंगे या फिर प्रीवियस का ही देंगे? डेटा पार्ट का एड्रेस थोड़ी ना होता है, ए में जैसे देखिए ए है तो ए में तो एड्रेस पड़ा होगा बी का। सर बी का मैं पूछ रहा हूँ कौन सा प्रीवियस प्रीवियस नोड का देंगे या फिर इन्फो का देंगे? आप ये देखिए कि ए में बी का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, और जब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मैंने बताया एक ही नोड है, जैसे हमने एक सिंगली लिंक लिस्ट, जैसे आप सिंगली लिंक लिस्ट की अगर आप बात करिए, ये देखो सॉरी डब्ली लिंक लिस्ट में जो इस क्लासिकल सेंस में बात करिए एक ही नोड है, ठीक है, तो ये नोड है तो इसमें तो दोनों ना नेक्स्ट इसका होगा ना प्रीवियस रहेगा, लेकिन इस नोड का एड्रेस तो यहां पे रहेगा, ये इसका स्टार्ट और उसके दो पार्ट है प्रीवियस और नेक्स्ट, तो ये तो दोनों फिल रहेंगे, ये सिंगल नोड है। बात समझ में आ रही है? यहां जो ये नोड है ये नोड को रिप्रेजेंट करता है फर्दर नोड, तो ए का ना कोई पहले का नोड बचा है ना कोई बाद का नोड है, दोनों नल है यहाँ पे यही पे इसमें, लेकिन इसका एड्रेस तो यहाँ पे है, तो ए को स्टार्ट समझ लीजिए फॉर ट्री। यस सर, मैं वो पूछ रहा था जो हमारा बी वाला नोड है उसमें ए के पास बी का प्रीवियस नोड का एड्रेस देंगे या फिर नेक्स्ट का देंगे? मैं ये बता रहा हूँ बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये ए स्टार्ट समझ लीजिए, ए को नोड ना कहिए क्योंकि ये रूट है, ये स्पेशल पॉइंटर है, ये इसका रोल वही है जो कि स्टार्ट का है, रूट नोड का रोल वही है जो कि स्टार्ट का है, तो अब आप इसमें बताइए क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ना, तो अगर ये इस पर्टिकुलर ए का एड्रेस 2250 है प्रकर, यस सर, नेक्स्ट होगा यही इसका प्रीवियस होगा, यस सर, बस यही इसका नेक्स्ट है यही इसका प्रीवियस है, तो इसमें तो कोई नहीं है ना इसका लेफ्ट चाइल्ड ना राइट चाइल्ड है, लेकिन इसका एड्रेस इसमें पड़ा हुआ है, ये स्टार्ट की तरह काम कर रहा है, आप ये समझ लीजिए ना, मैंने उसी डब्ली लिंक लिस्ट को ही यहाँ पे ले जा करके उसी फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये 2250 नेक्स्ट है, 2250 ही प्रीवियस है ना इसके, देखिए ए में भी नल है और इसके ए के प्रीवियस में भी नल है और नेक्स्ट में भी नल है, समझ रहे हैं? यस सर। हाँ बेटा होल्ड करो एक मिनट जरा, एक मिनट होल्ड करना बस।
हाँ बताओ सर। ठीक ठीक नहीं ठीक है प्रखर। यस सर। हाँ तो ये मैं कह रहा था यहाँ पे कि आपका जो ये ए है, ये आप जो ए देख पा रहे हैं वो यही है फर्स्ट नोड। ठीक है, तो ये जो आप बी बता, ए को स्टार्ट कंटेन करिए, ए को स्टार्ट कंसीडर करिए, और ये बी उसका एक प्राइमरी नोड है, इसलिए देखिए दोनों में नल पड़ा हुआ है ना, इसका नेक्स्ट है और ना इसका नेक्स्ट है ना इसका कोई प्रीवियस है, तो ए स्टार्ट है जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर नोड। ठीक है, इसी तरह से ये आप जब इसकी बात करेंगे तो यहां पे तो दोनों एड्रेस रहेंगे, लेकिन यहां पे जब बात करेंगे तो सी इसके लिए स्टार्ट है, इसका रूट है। थोड़ा सा क्लासिकल सेंस में जैसे मैंने बताया रिकर्जिव प्रोसीजर है, हर बार हर जो जो भी रूट हम जिसको बोलेंगे, जिसका पेरेंट बोलेंगे या सब पेरेंट या सब रूट भी एक टर्म होता है, तो उस केस में वो उसके पेरेंट का रोल प्ले करता है। ठीक है, यस सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये जो है इसलिए मैं आपको ये नोट भी दूंगा, इसमें डायग्राम आपका बना हुआ है, और साथ ही साथ ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में भी जो हमने आपको ये व्हाइट बोर्ड पे बताया है, ये वीडियो में आप इसके थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, इसके थ्रू आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड डालिए, ट्रेवर्सल ऑफ ट्री। आप लोग की क्विज तो है नहीं बेटा? अकाउंट की क्लास? हाँ, क्विज नहीं है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। अकाउंट की क्लास अभी समय है 2 मिनट। नो सर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत जरूरी है जो हमने आपको बताया। ट्रेवर्सल ऑफ ट्री रिकर्जिव प्रोसीजर है और रिप्रेजेंटेशन इसका डायनेमिक। हम लोग एरे तो पढ़ लिया हमने, चाहे आपका स्टैक हो चाहे क्यू हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है वो डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन है। साथ ही साथ कल भी एक मेरा लेक्चर है, और मैं सैटरडे को भी, अब जो भी हमारे जितने भी सैटरडेज पढ़ेंगे उसमें एक मेरा फिक्स लेक्चर जरूर रहेगा, नहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी अगर एग्जाम कराएंगे, क्योंकि AKTU का ऑलरेडी शेड्यूल आ चुका है, अगर एग्जाम कराएंगे तो जुलाई के 3rd वीक तक एग्जाम करा लेंगे किसी भी मोड में क्यों ना हो, और अगर एग्जाम कराएंगे तो वो 3rd वीक तक एग्जाम जरूर करा लेंगे, क्योंकि फॉर्म आने ही वाले हैं, डेटा मांगा गया स्टूडेंट का, फॉर्म आने ही वाले हैं। तो अगर हम इस पेस को थोड़ा सा और नहीं बढ़ाएंगे तो सिलेबस कहीं ना कहीं बाद में सफर करेगा। आपने देखा होगा पिछले बार फर्स्ट सेमेस्टर में भी, फिर कई टीचर जो है बोटल नेक पे आधे आधे घंटे का या 45 मिनट का या स्वैपिंग इस तरह से ज्यादा चल रहा था, हुआ था ना लास्ट टाइम, सभी लोग अटेंडेंस भी अपनी यहाँ पे मार्क कर दीजिए, ऐसा हुआ था ना लास्ट टाइम लेक्चर में? यस सर। तो इसीलिए अब वीक में 5 लेक्चर्स मुझे लेने ही लेने, ये कंडक्शन जरूर होगा। आज ट्यूट भी है किसी एक ग्रुप की, फर्स्ट ग्रुप की है? यस सर, फर्स्ट ग्रुप की है। हाँ, तो मैं ये इंटीमेट करूंगा ट्यूट का टाइम आपको बाद में, तो अभी मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना है, इसीलिए मैंने ये क्लास इस समय प्लान की हुई है। इसके बाद भी किसी कोई क्वेरी होगी तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो कल है हमारा
कल पहला फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिनकी अटेंडेंस इन्होंने अपनी यहाँ पे मार्क कर दी है, दे कैन लीव। और इसके अलावा किसी की कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो वो यहाँ पे अभी रुक सकते हैं, क्योंकि अकाउंट की क्लास शुरू होने में अभी समय लगेगा, 2 से 3 मिनट, जल्दी उनका शुरू नहीं होता सर, ठीक। जिसकी कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है रुक करके। थैंक यू सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की?